जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिस्टल की जो 115 पोस्टें आई थी 2021 में, उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपके फिजिकल कब होने वाले हैं और क्या कुछ अभी इस वैकेंसी को लेकर अपडेट आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नए हम वीडियो बनाएं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्स की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट वाले चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक आपके निकल के आ रही है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज समझाया गया है और अच्छी बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिस्टर की वैकेंसी आई हुई थी 115, उनके फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एसएसबी में दो वैकेंसी पैरेलल चल रही थी। पहली थी आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर की वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी थी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भी कंफ्यूजन ये था बच्चों के साथ कि 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 74 पोस्ट आई थी और 2021 में 115 पोस्ट आई थी, दोनों को क्लब कर लेते हैं बच्चे कभी कभी। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे सरकारी.com या दूसरी तरह की वैकेंसी है, वहां पर भी कभी कभी बाई मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि अपडेट कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि दूसरी जो वेबसाइट है उन्होंने भी बाई मिस्टेक एडमिट कार्ड जारी करने का नोटिस लगा दिया गया। वो बाई मिस्टेक हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2018 की जो वैकेंसी थी 74 पोस्टों वाली, वो लगभग क्लियर हो गई है और बंदों ने जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो वो वाली तो बात बिल्कुल खत्म हो जाती है कि 2018 वाली वैकेंसी खत्म हो चुकी है, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब आज मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और ट्रेड्समैन और ड्राइवर, ये दोनों वैकेंसी एक साथ पैरेलल चल रही है, लेकिन प्रेफर्ड जो किया है डिपार्टमेंट ने वो आपका ड्राइवर की जो वैकेंसी थी उनके फिजिकल कंप्लीट हो गए, लगभग कंप्लीट हो गए। अब जो वैकेंसी बची है ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बची हुई है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है जुलाई मिड में आपके जो एडमिट कार्ड हैं ट्रेड्समैन वाले वो निकलने वाले हैं। तो जैसे ही आपके ट्रेड्समैन वाले वैकेंसी की स्टार्ट हो जाएगी, अपकमिंग हो जाएगी, तो मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और कहां तक चलेगा आपका, अगस्त सितंबर के आसपास तक ये चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा खींचने वाला है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद कब होगा, उसके बाद आएगी आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बारी और वो लगभग आपको अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलने वाली, और एक 15-20 दिन और खींच सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो 115 पोस्ट थी वो देखने को कहीं ना कहीं मिलने वाली है। उसके साथ साथ एसएससी जीडी की जो मेडिकल है वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस आ जाता है सभी डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि वो एक सेंटर की सारे पैरामिलिट्री फोर्स को कवर करती है, तो वहां भी एक परेशानी का सबक बन सकता है क्योंकि उनके जो फिजिकल थे वो कंप्लीट करा लिए गए हैं। अब बात आती है किसकी, उनके मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए भी सेपरेट ग्राउंड होना चाहिए। काफ़ी बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि यार एक हॉस्पिटल में लेके वहाँ पर करा लिया, जो भी कैंपस होते हैं वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, दूसरी तरह की जानकारी भी चेक की जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तीन वैकेंसी अगर मान के चले तो बड़ी निकल के आ जाती है, एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, दूसरी निकल के आती है ट्रेड्समैन की, और तीसरी निकल के आती है एसएससी जीडी की। जीडी की सबसे बड़ी होती थी, अपकमिंग वैकेंसी है, चलती चली जा रही है, तो उसको तो विथहेल्ड में डालने की जरूरत नहीं है, ना ही वो डालना चाहेंगे। तो पहले आपका ट्रेड्समैन का आ जाएगा, कब आ जाएगा, जुलाई मिड में आपके ट्रेड्समैन वाले आ जाएंगे एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए, उसके बाद एक महीने के अंदर वो चलेगा, उसके बाद अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आ जाएगी, उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसमें आपके फिजिकल होंगे, और फिर जाके अगर कहीं सिमिलर बैठ गया तो दोनों को पैरेलल एसएससी जीडी को और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर को दोनों को पैरेलल करने की कोशिश भी चल सकती है, क्योंकि उसका ओनली मेडिकल होना है, एसएससी जीडी का ओनली मेडिकल होना है, एसएससी का हाइट चेस्ट वेट सब कुछ नापा जाता है, उसमें यही परेशानी आ जाती है कि वहाँ पर टाइम लग जाता है। जैसे आप PTPST होती है तो वहाँ पर आपको हाइट भी नापनी है, वेट भी नापना है, चेस्ट भी नापना है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी कभी करा लेते हैं। अगर हम बात करें आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, तो उसमें आपको 1600 मीटर रनिंग देखने को मिलेगी, आपकी 6.5 मिनट के आसपास इसका रनिंग टाइम है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वहां पर आपको 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अगर हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको फिल क्लियर कर देता हूं कि आपने तैयारी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मुझे मिलेगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर बताइए, तो ये अपडेट आपकी निकल के आ रही है, कर लीजिएगा, कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है उस पर मैं अपडेट दे देता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।